हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको एक पोजिशनल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हो वो चीज़ मैं बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो इसके लिए मैं स्विंग फंडर का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अच्छे से ऊपर आया हुआ है और यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है कहीं तो भी, ठीक है। तो ये ऊपर 320-325 को मार्केट में रजिस्टर्ड, ये चीज़ हमें पता है। और मैं पोजिशनल एनालिसिस करने के बाद आपको मैंने जो ट्रेड आज लिया था वो चीज़ भी मैं बता दूंगा और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया वो चीज़ भी मैं आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं बताता हूँ, 30 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम दिया हुआ यहाँ पे। और ये देखो 11288 समथिंग को, 288-285 को मैं शॉर्ट सेल करने वाला हूँ। जब तक 310-308 के ऊपर मार्केट जाता नहीं वहाँ पे 15 मिनट में क्लोज करता नहीं, तब तक मुझे इसे डाउन ट्रेंड में शॉर्ट सेल करना है। जो आज मैंने ये ट्रेड किया हुआ है, आप कल भी अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आप वापस शॉर्ट सेल करो। जब तक मार्केट यहाँ इसके ऊपर 308-311 के ऊपर मार्केट जाता नहीं तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया 11288-285 के बीच में शॉर्ट सेल करना है, जो आपको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का पोजिशनल आज सुबह ही मैंने 1243 को समथिंग को मैंने ये ट्रेड लिया था कि निफ्टी अक्टूबर सीरीज में शॉर्ट सेल करना है 11288 या तो 285, ये 3-4 रुपये के रेंज में शॉर्ट सेल करो। जब भी आपको यहाँ पे मार्केट मिलता है आपको शॉर्ट सेल करना है, सेल करना है, उसके लिए टॉप लॉस लगाएंगे आप 308-311 का, ठीक है। ये मैंने आज का लेवल दिया, जब मैंने 1243 समथिंग मार्केट चला तब ये मैंने दिया था। अब एक बार मार्केट में अगर देखना है तो देखो यहाँ पे उसके बाद 1243 यहाँ पे मार्केट था, ओके। तो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई कर दिया लगभग 279-790-950, वापिस मार्केट यहाँ पे 294 तक नहीं ऊपर आ चुका था। तो यहाँ पे आराम से ट्रेड मिल जाएगा, 308-311 का मेरा टॉप लॉस है। उसके बाद वापिस मार्केट नीचे आया हुआ और मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। अभी ये पोजीशन मैंने शॉर्ट सेल में कैरी किया हुआ है, क्लियरली आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो देखो मैंने 3:05 को बोला है कि भाई निफ्टी कैरी इन शॉर्ट सेल, इसको हम शॉर्ट सेल में कैरी करेंगे। अगर ये 308-311 के ऊपर कल 15 मिनट में जाता है, वहाँ पे रुकता है, क्लोज हो जाता है, तो मैं उसमें एग्जिट हो जाऊँगा। अदरवाइज यही पोजीशन कैरी करना है और वहाँ से बहुत अच्छा मार्केट जाएगा। सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी में किया, सेम टाइम मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी कैलकुलेशन किया था। और बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि 21,483-21,465 इसके बीच में, ये रेंज में जब भी आपको मार्केट मिलता है तो शॉर्ट सेल कर देना है। उसका टॉप लॉस लगाएंगे 576-594, ये रेंज में इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा तो ही हमें यहाँ पे एग्जिट होना रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है अब मार्केट में, बैंक निफ्टी में भी वो चीज़ भी देख लेंगे हम फटाफट। ये बैंक निफ्टी अक्टूबर सीरीज का मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया है, ये मैं आपको चार्ट इसका ओपन कर देता हूँ। और देखो आज मार्केट जो ऊपर गया था तो देखो इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे आया हुआ है और मार्केट अभी भी हमने शॉर्ट सेल कैरी किया हुआ है। अगर हमें बात देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का, ओके, अक्टूबर सीरीज मैंने लिया हुआ है और इसका क्लोजिंग आ चुका है यहाँ पे 21,495 समथिंग का हाई करके मार्केट ने क्लोज किया है 21,456 समथिंग, ठीक है। इसके हिसाब से मार्केट नीचे ही है यहाँ पे, ओके। और मैं आपको यहाँ पे मैसेज भी दिखा दूंगा कि जो हमने आज के लिए भी वापस से शॉर्ट सेल में ही कैरी किया हुआ, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ही है 21,567.95 समथिंग, मतलब 68 समथिंग का हाई किया हुआ है मार्केट ने यहाँ से और कंटिन्यूसली मार्केट ये नीचे है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो मैंने लेवल दिया था, जैसे इसका लेवल होता है वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे 576-594 के ऊपर जाएगा तो ही अप ट्रेंड में जाना है। तब तक मार्केट में अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, 485 और 465 इसके बीच में शॉर्ट सेल करना है और ये टॉप लॉस लगाना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉप लॉस नहीं रहेगा आपके लिए, लगभग 80-90 पॉइंट का टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेड में। आपको अगर मैं बोलूँगा देखो 81 पॉइंट का और 2-5 रुपये इधर उधर पकड़ेंगे तो हार्डली आपको मैक्सिमम 100 पॉइंट का टॉप लॉस लेके बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेल करना है। और बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत नीचे जा सकता है, ये चीज़ मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज ही मैंने बैंक निफ्टी को अक्टूबर शॉर्ट सेल में यहाँ पे किया हुआ, इसे शॉर्ट करके 576-594 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है 15 मिनट में तो ही मैं इसमें एग्जिट होऊंगा। तब तक इसमें डाउन ट्रेंड कैरी करना है। 3:05 को मैंने वापस बैंक निफ्टी बोल दिया कि यहाँ से आग बंद करके शॉर्ट सेल में कैरी करना है। इस हिसाब से ये हमारा दोनों चीज़ हो चुका है, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का काम किया हुआ है। तो आपको लगेगा कि इसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये ट्रेड किया हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पोजिशनल के बेसिस पर हमने इसे कैरी किया हुआ और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत अच्छे से कम जो भी हमने यहाँ पे देखो 25-30 पॉइंट का निफ्टी में रिस्क है, 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रिस्क है, लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड अगर हम नीचे बोलेंगे तो कम से कम 300 पॉइंट मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट करता हूँ
और बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट में एक्सपेक्ट करता हूँ, वहाँ से नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर बोलेंगे कि ये ट्रेड अपना सक्सेसफुल हुआ। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में काम करना है। अगर इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड आप अगर मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हो, और स्विंग फाइंडर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जब आप ये स्विंग फाइंडर यूज़ करेंगे, ये टूल हमारे स्विंग फाइंडर इंट्राडे पोजिशन जो भी आप यूज़ करेंगे, तो आपको तभी छोटा टॉप लॉस है और ह्यूज रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वो चीज़ आपको मैं हमेशा यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ कि आपको बहुत छोटा रिस्क लेके मार्केट में बड़े लंबे प्रॉफिट में बैठना है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे आज के लिए ये मैंने ट्रेड दिया हुआ है। कल अगर आपको ये ट्रेड लाइव मार्केट में मिलता है, कल भी अगर ये लेवल मिलता है, तो आपको आग बंद करके यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है, कर सकते हैं, ये इसका स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ठीक है। और जिनको ये कंटिन्यूसली करना है, लाइव टाइम टू टाइम ये काम करना है, तो इनके लिए एक ही ऑप्शन है कि डायरेक्टली ट्रेनिंग ले लो। आप खुद ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सब ट्रेड आप खुद निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।